नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। बात करेंगे भागलपुर में हुए हादसे की। तो भागलपुर में 9 साल से बन रहा पुल एक बार फिर गिर पड़ा। जनता के करीब 1700 करोड़ रुपए गंगा में बह गए। सरकार और विपक्ष इस पर सियासत करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी नीतीश तेजस्वी का इस्तीफा मांग रही है तो नीतीश पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन असल में भागलपुर में हुआ क्या है, कैसे पुल गिरा, देखिए अमिताभ ओझा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। श्रावण के महीने में इस इलाके में बड़ा मेला सा नज़ारा होता है। सामने आप देखिए अजगैवीनाथ मंदिर है जो सुल्तानगंज में है, और यहाँ गंगा नदी में लोग आते हैं, स्नान करते हैं और यहीं से जल लेकर यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर देवघर जाते हैं और वहाँ पे जाके जल अर्पण करते हैं। और यहाँ पे देखिए कि ये बाज़ार है। अभी जब यहाँ पहुँचे, यहाँ ये जो नाव देख रहे हैं यही आवागमन का साधन है। ये जहाँ हम खड़े हैं वो खगड़िया का इलाका है और सामने तरफ भागलपुर जिला का पड़ता है सुल्तानगंज, और यहाँ से नाव के द्वारा ही लोग उस तरफ जाते हैं क्योंकि सड़क मार्ग से लंबी दूरी पड़ जाती है। फिलहाल ये जो घटना हुई क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि अब इस साल ये पुल चालू हो जाता और जब ये पुल चालू हो जाता तो यहाँ के इलाके की तस्वीर ही बदल जाती, इन्हें काफ़ी आसानी होती, लेकिन अब वो सपना भी इनका सपना ही लग रहा है क्योंकि दो बार ये पुल टूट चुका है और उसके बाद ये आगे कब बनेगा इसको लेके अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। कुछ युवक हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं, आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं। आप इसी गांव के हैं? जी हाँ सर। ये बताइए कि ये जो ब्रिज बन रहा था तो लोगों को तो लग रहा था कि पुल चालू हो जाएगा। लग रहा था चालू हो जाए, लेकिन अब नहीं लगेगा, होगा। कि एक बार उधर से भी मतलब गिर गया था, वो तो बता रहा था कि हवा में मतलब गिर गया, ये जो हो रहा है कैसे गिर गया, तब संभावना है कि नहीं हो पाएगा। ऐसे क्या लग रहा था कि आप लोगों को ऐसे क्या लग रहा था कि चालू हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग को तो लग रहा था कि 6 महीना में हम लोग जाएंगे पुल पे चढ़ेंगे, 6 महीना साल भर में बन जाएगा, उस पार जाएंगे गाड़ी से, लेकिन अब तो नहीं लग रहा है संभव, 1-2 साल बाद अब फिर होगा। अब बहुत आप बताइए कि जब ब्रिज बन रहा था शुरू से ही विवादों में रहा, दो दो बार मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, एक बार खगड़िया तरफ से, एक बार सुल्तानगंज तरफ से, ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का यह हाल है कि 14 महीने में दो बार टूट गया। अगला साल भी जो है 2022 में अगला बार उस तरफ टूटा था सुल्तानगंज तरफ, तो हवा में गिर गया था। कल भी सुनते हैं लोकल स्थानीय बोल रहा है कि 10 बजे से जो है पाया में क्रेक हो गया था और शाम में 5:30 बजे जो गिर गया पुल। ये पुल अगर चालू हो जाता तो फिर इस इलाके की तस्वीर क्या रहा? बहुत बढ़िया, बहुत आवागमन का सुलभ हो जाता। हम लोग को लग रहा था कि इस साल जो है कंप्लीट हो जाएगा पुल, लेकिन नहीं हुआ, बीच में ही जो व्यवधान हो गया। अभी हम देख रहे थे कि कई लोग नाव से भी, जो नाव है छोटे छोटे नाव पे काफ़ी लोग इधर से उधर जो है सिर्फ नाव से ही जा रहे हैं। हाँ, नाव ही एक आवागमन का इधर साधन है। पुल बन जाएगा तो हम लोग के इलाके में सही हो जाएगा, आवागमन सुलभ हो जाएगा आने जाने में। झारखंड की दूरी भी कहा जाता है कि पुल के बन जाने से झारखंड की दूरी भी कम हो जाती है। हाँ एकदम। कितना हो जाती है? मतलब 100 किलोमीटर पे हो जाता है, 125 किलोमीटर पे। आप तो लोग भी कह रहे थे कि आखिर ये पुल बार बार जो गिर रहा है, गंगा मैया एक इशारा कर रही हैं कि जिस तरीके से बन रहा था एक बड़ी तबाही यहाँ पे मस्ती, क्योंकि यहाँ पे जब बाढ़ आती है, जब पानी आता है तो ये पूरा इलाका जहाँ हम खड़े हैं इन सबों पर पानी हो जाता है, काफ़ी बड़ा सैलाब आता है और पूरा इलाका डूब जाता है, उस वक्त ये तबाही होती तो ज़्यादा बड़ी तबाही होती, जान माल की ज़्यादा क्षति होती। जबकि अभी जो है निर्माण कार्य के दौरान ही दो बार गिरने के बाद जो स्थिति बनी है उसको देखते हुए भी कई सवाल खड़े होते हैं। कैमरामैन सनी और विक्रम के साथ अमिताभ ओझा, खगड़िया, न्यूज 24। एक पुल और दो हादसा, सिर्फ एक साल के अंतराल पे यह दूसरी घटना है। उस जगह पर हैं जहाँ पे देखिए पिछले साल 30 अप्रैल 2022 को जब हुई थी तो पिलर नंबर 5 के जो स्ट्रक्चर था वो गिर गया था। जांच करने के लिए रुड़की से आईटी की टीम आई थी और वहां उसने जो जांच में बताया था कि हवा और तेज आंधी के चलते यह ब्रिज गिरा था, और उसकी दूसरी रिपोर्ट क्योंकि घटना के बाद और भी कई पिलरों में दरार आई थी, उसकी जांच करने के लिए एक टीम बनाई गई थी जो यहां पर जांच कर रही थी, उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी थी। लेकिन उस 5 नंबर पिलर के बाद से काम वहाँ बंद पड़ा था, लेकिन उसके बाद का जो हिस्सा था वहाँ से लेकर अब 10 नंबर पिलर जो कल गिरा है वहाँ भी दरारें आई थी, और इस बात की सूचना यहाँ के स्थानीय विधायक ने विधानसभा में भी उठाई थी और सरकार ने कहा था कि पूरे मामले की हम जांच करा रहे हैं, और कंपनी से भी जो निर्माणकर्ता कंपनी है उससे भी यह मांग गया था। SP सिंगला जो पूरे ब्रिज को बना रही थी
उसको भी ये दी गई थी, कई तस्वीरें दी गई थी। और देखिए पिलर संख्या 10 के हम पास हैं, जो मेन स्ट्रक्चर जो गिरा है, जो पिलर के साथ गिरा है, वो तस्वीरें यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके। यहाँ तक पुल कंप्लीट हो गया था, 20 का हिस्सा बाकी था जिस पर ऊपर स्लैब लगाने का काम चल रहा था। और यह स्लैब लगातार काम करना, क्योंकि इसमें जो डेडलाइन दी गई थी, जो आठवीं बार की डेडलाइन थी, वो थी 23 दिसंबर 2023 का। यही वजह है कि जो काम था वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। और यहाँ पर जो 10 नंबर स्ट्रक्चर जब गिरा, 20 का ये हिस्सा खाली था, यहाँ पे काम होना बाकी था क्योंकि रुक रुक के काम हो रहा था। और लेकिन यहाँ तक जो काम था वो खगड़िया की तरफ से अगर हम लें तो 10 नंबर पिलर तक काम आ गया था। सिर्फ अब 3 पिलर का काम बाकी था जहां पे सुपर स्ट्रक्चर को चढ़ाया जाना था। यह केबलिंग ब्रिज है जिसको लेकर एसपी सिंगला यहां बना रहे थे। और इस तरीके के ब्रिज कई देशों में है और बिहार में भी कई इस तरह के ब्रिज बनाए गए हैं। और फिलहाल एसपी सिंगला को और भी जो करीब 5 ब्रिज ये बना रही है, सभी में इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें, जिस तरीके से ये घटना हुई उसके बाद, ये हैरान कर देने वाली है। अब नए सिरे से इस मामले की जो आगे की ट्रेंडिंग होगी, हालांकि सरकार ने कहा है कि कंपनी को वो बात करेंगे और कंपनी को इसमें फ़ाइन लगाया जाएगा, क्योंकि अभी तक यह प्रोजेक्ट सरकार को हैंडओवर नहीं किया गया था। इसलिए इस पूरे नुकसान की भरपाई इसी कंपनी को करनी पड़ेगी जो इस कंस्ट्रक्शन काम में लगी हुई थी।